आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सुर्खियां, गर्मी के तीखे तेवर, तापमान 38 डिग्री के पार। लोनावला पुलिस ने मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा। जिला अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारियों की दबिश, बेसहारा लोगों को मिलेगी छत, निगम का सर्वे जारी। अब खबरें विस्तार से। मार्च माह में गर्मी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान 38 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 2-3 दिन में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप चौरे। जिले में इस बार गर्मी के तेवर बहुत तीखे दिख रहे हैं। पिछले 10 साल में इस बार का मार्च जितना गर्म जा रहा है वो इसके पहले कभी नहीं रहा। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार वर्तमान में जो तापमान है वो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के करीब है और महीने के 30 और 31 तारीख तक तापमान 41 डिग्री को पार करने की बात कही जा रही है। इस संबंध में मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि पठारी क्षेत्र में जो हरा भरा क्षेत्र है वो कम होने के कारण इस बार जिले में भीषण गर्मी पड़ेगी और मई के महीने में तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है, जो जिले के निवासियों के लिए, जनता के लिए झुलसाने वाली हो सकती है। उमड़ा नाला पुलिस ने शनिवार सुबह एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक में मवेशी भरे थे। पुलिस के अनुसार ट्रक बूचड़खाने नागपुर जा रहा था। पुलिस ने ट्रक से जब्त कर 30 मवेशियों को मुक्त कराया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं विनोद यादव। उमड़ा नाला चौकी पुलिस ने शनिवार की सुबह 7 बजे मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा है। डाल हंड्रेड पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक छिंदवाड़ा से महाराष्ट्र होते हुए कतले खाना जा रहा है। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी करके उसको तंसरा पेट्रोल पंप के पास पकड़ा है। जांच के दौरान उसमें 30 मवेशी पाए गए हैं। नगर पंचायत हरदई घोटाले में नया खुलासा हुआ है। मामले की मुख्य आरोपी मानवी साहब पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं, लेकिन नगर पंचायत में वह मेडिकल लीव पर हैं। साय का आवेदन चुपके से नगर पंचायत में पहुंचा और उसे उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में मंजूर कर लिया। सीएमओ द्वारा कलेक्टर को इसकी रिपोर्ट भेजे जाने पर पूरे मामले का खुलासा होगा। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मनोहर सोनी। हरी नगर पंचायत में करीब 2.5 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष मालवी साय के ऊपर पुलिस ने धारा 420 समेत अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया है और उनका मालवी साय का एक और गड़बड़ी ये सामने आई है कि उन्होंने बैक डेट पर मेडिकल लीव पर छुट्टी भी दे दी, छुट्टी का आवेदन दे दिया और उसे नगर पंचायत की परिषद ने पास भी कर दिया। और इसका खुलासा तब हुआ जब वो सीएमओ ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को पहुँचाई। जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर जेके जैन ने जांच बैठा दी है। कलेक्टर ने एसडीएम राजेश शाही और निगम कमिश्नर इच्छित गढ़पाले को व्यवस्थाएं सुधारने का जिम्मा सौंपा है। एसडीएम और कमिश्नर लगातार अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश साहू। लगातार मिल रही अस्पताल की अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद कलेक्टर जेके जैन ने एसडीएम और कमिश्नर को अस्पताल की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बाद से ही लगातार 3 दिन से एसडीएम और कमिश्नर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आरकेएस कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति को लेकर वो बैठकें ले रहे हैं। इसके अलावा वो जितनी भी दवाइयों की कमी है, कर्मचारियों की अव्यवस्था है, जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इस बीच कई बार अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में तनाव की स्थिति बनी। कई बार मामले को बातों से और चर्चाओं से व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। नगर निगम की टीम शहर में बेसहारा घूम रहे लोगों का सर्वे कर रही है। सर्वे कर रही टीम को बुजुर्ग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। जब उनसे कोई उनकी जिंदगी बारे में पूछता है तो वे बस बोल पड़ते हैं, जवानी जिनको खड़ा करने में लगा दी, बुढ़ापा में उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया, अब जनता जनार्दन का ही उन्हें सहारा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अखिलेश ठाकुर। शहर में अब बेघर लोगों को ठौर मिलेगा, इसके लिए निगम ने दीनदयाल राष्ट्रीय मिशन योजना के तहत एक सर्वे शुरू किया है। सर्वे रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक कराया जा रहा है। निगम ने इसमें 2 निगम कर्मियों के अलावा एक सामाजिक संस्था को शामिल किया है। निगम यह सर्वे मिशन के संचालक के निर्देश पर शुरू कराया है। संचालक के निर्देशानुसार रिपोर्ट तैयार कर 15 अप्रैल को भोपाल भेजनी है। भोपाल से इन बेघर लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी, इसकी पहल अभी होनी है। इस बीच निगम टीम से जो सड़क किनारे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर बेघर मिल रहे हैं
उनको अपने अटल आश्रय में रहने के लिए समझाइश भी दे रही है। निगम के इस सर्वे में 3-4 ऐसे भी मामले आए हैं जो बूढ़े माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को परवरिश में लगा दी, बच्चे नौजवान होने के बाद उनको घर से सड़क कर दिए हैं। ऐसे कई मामले ऐसे हैं जो काफ़ी हृदय विदारक हैं। सरकार और जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद निजी स्कूल संचालक बालकों को लूटने से बाज नहीं आ रहे। CBSE की निर्देश के बावजूद NCERT की जगह निजी पुस्तकों की किताबें चलाई जा रही हैं। साथ ही स्कूल की फीस में इजाफा कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आशीष मिश्रा। केंद्र सरकार, CBSE और निजी प्रशासन ने काफ़ी कोशिश की है किताबों को, NCERT किताबों को स्कूल में लागू करने के लिए, लेकिन जिसका असर अभी स्कूलों में नहीं दिख रहा है। इसके अलावा 10% की वृद्धि किताबों में कर दी गई है। ये खबर पालकों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, जबकि पालकों की पूरी मांग है कि वो NCERT की किताबें निजी स्कूल में चले, जिससे उनको राहत मिल सके। गर्मी के साथ ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। शनिवार को आधा दर्जन जगहों पर आग लग गई। छिंदवाड़ा विधायक चौधरी चंदवान के गेहूं की फसल में भी आग लगी। आग से काफ़ी नुकसान हुआ है। खबरों के लिए पढ़ते रहिए पत्रिका। नमस्कार।